राम राम भाई सारा ने एक बार फिर से मंजीत एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा की प्रमुख खबरें लिख के 19 मई 2024 की। चलो अब शुरुआत करते हैं। 5 साल 5 प्रधानमंत्रियों का फॉर्मूला लाए ईडी गठबंधन, धाकड़ सरकार ने गिराई 370 की दीवार। भाजपा प्रत्याशी के काफिले पर हमले में 25 नाम दर्ज और 95 अन्य किसानों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, नरेंद्र मोदी के पारदर्शी फैसलों से बात हुआ मजबूत। वर्तमान का कुरुक्षेत्र में रोड शो, बोले 25 मई आएगी भारतीय जनता पार्टी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की जज्जर रैली हुई रद्द, इससे पहले गृहमंत्री की रैली भी हुई थी स्थगित। ईडी गठबंधन को किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, वो कीमत है देश की सुरक्षा। किसानों के हमले पर सुभाष बराला बोले, भोले भाले लोगों की आड़ में कांग्रेस अपना रही है ओछे हथकंडे। देवेंद्र बबली को 17% लोगों ने कहा कि कांग्रेस में जाओ, 9% ने भाजपा की सलाह दी। आसमान में बरसी आग, 7 दिन में 7 डिग्री बढ़ा अधिकतम तापमान। 10 साल से रह रहा है फीका मानसून, इस बार अच्छी बारिश होने की उम्मीद। जनता भाजपा की वादा खिलाफी का जवाब वोट से देगी सतपाल। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस रही मोदी के निशाने पर, गढ़ में आकर हुड्डा पर एक शब्द नहीं बोले। 22 को चरखी दादरी में गरजेंगे राहुल, गज्जों को करेंगे एकजुट। चंडीगढ़ में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामकरण लिया वापस, अब 19 के बीच होगी कुर्सी की जंग। दिल्ली के सीएम का आरोप, तिहाड़ में पीएमओ मुझ पर कैमरों से रखता था नजर। पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर 328 प्रत्याशी मैदान में, पहली बार सबसे ज्यादा। राहुल गांधी बोले, मैं जो चाहूं नरेंद्र मोदी से बुलवा सकता हूं संविधान को लेकर, कही ये बात। 27 रन से जीत के बाद आरसीबी ने किया प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई, आखिरी ओवर में पलटा मैच। पॉइंट टेबल में केकेआर सबसे ऊपर, मुंबई सबसे नीचे। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो हम आपके लिए लेकर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।